हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस सेशन ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचिंग सेंटर। योर एजुकेटर डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट ऊजिनेसिस। ऊजिनेसिस इज अ टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो पिछले सेशन में हम लोग गैमेटोजेनेसिस देख रहे थे और गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत दो तरह के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यह क्रिया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, आपका टेस्टिस और टेस्टिस के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत यह क्रिया होती है। और आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से ऊजिनेसिस, मतलब फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम के बारे में देखेंगे। और यह जो प्रोसेस है ऊजिनेसिस, वह मेनली रूप से ओवरी के अंतर्गत होता है और इसमें जो है आपका ओवा का फॉर्मेशन होता है, जो आपका एक फीमेल गैमेट्स हैं और स्पर्म जो है आपका एक मेल गैमेट्स है। तो बिना लेट किए हुए मुख्य सेशन की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ऊजिनेसिस। हिंदी में अंडाणु जनन, अंडाणु का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम, ओवम का जो है सो फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखना है मेनली रूप से ओवरी। ओवरी जो है क्या जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यह जो है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब आपका गैमेट प्रॉपर ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और आपका गैमेट्स प्रोड्यूसिंग, गैमेट्स को उत्पन्न करते हैं। ओवरी के बारे में ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है आपका गैमेट प्रोड्यूसिंग होते हैं और अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH एंड LH कंट्रोल। FSH एंड LH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो हैं आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के भाग से यह सेक्रीशन होता है, जो आपका ये आपका ऊजिनेसिस की क्रिया को आपका कंट्रोल करता है। तो ये आपका कंट्रोल विद FSH एंड LH। यहाँ पर देखते हैं हिस्टोलॉजी। ये आपका इस तरह से जो है
ये आपका ओवरी है, ये इसके इंटरनल भाग में जो है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये आपका जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ये आपका हरेक, ये आपका इन्यूक्लिएटेड होता है, हरेक सेल से इस तरह से जो है आपका एक प्राइमोर्डियल, ये आपका जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये आपका प्राइमोर्डियल मतलब छोटा बिगिनिंग स्टेज से, अब हरेक सेल से इस तरह से आपका उत्पन्न होता है, जो आपका इसकी संख्या जो है करोड़ों लाखों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में होती है। तो ये इस तरह से जो है आपका, इसके बाद यही इसी को लेकर के देख रहे हैं कि एक से इस तरह से बढ़ रहा है, दूसरा और जो है सो आपका ये साइज में इंक्रीज करता है, ये आपका ग्रोइंग फॉलिकल हुआ, इसके बाद और ये जो है सो इस तरह से जो है ये आपका प्राइमरी फॉलिकल हो गया, इसके बाद और जो है ये आपका इस तरह से सेकेंडरी फॉलिकल, और ये भी इस तरह से जो है आपका ये इस तरह से होते हैं, जो आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इसको बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स या फिर यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन ये फॉलिकल कहलाता है। ये जो है फिर जो है आपका ओव्यूलेट होता है, ओव्यूलेशन की क्रिया होती है जिसमें ओवम जो है आपका बाहर निकलता है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये आपका इस तरह से ब्रस्ट होने के बाद यह जो है आपका ये ओवम जो है बाहर की ओर नहीं निकलता है, तो बाहर आपका ओवरी के अंदर यह जो है सो आपका यह प्रोसेस हो रहा है, ग्रोइंग फॉलिकल प्राइमरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल आपका बिगिनिंग, और इस तरह से जो है आपका फॉलिकल्स डेवलपमेंट हुआ, कि फॉलिकल्स ही जो है कि अंदर जो है आपका एक ओवम जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जब FSH और LH का जो है कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है, जो आपका इस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं बिगिनिंग स्टेज में, इस्ट्रोजन और LH जब अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो उस समय जो है सो ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम बाहर निकलता है ग्राफियन फॉलिकल से, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, और यह जो है रप्चर्ड हो गया, यह जो आपका फॉलिकल हुआ वो फट गया, बर्स्ट हो गया, बर्स्ट होने के बाद जो है सो आपका ये ओव्यूलेशन, ओवम के निकलने की क्रिया को ही हम आपको ओव्यूलेशन कहते हैं, जो आपका ये और 14वें दिन जो है डे जो है जब मेनली रूप से मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जो है यह क्रिया होती है, अब यह जो है जनरली ये रप्चर्ड फॉलिकल्स हो गया, ये आपका रप्चर्ड फॉलिकल जब यह ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो इसके अंदर जो है एक विशेष तरह के पदार्थ भर जाते हैं जो आपका पीले रंग के होते हैं, जो ये आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये रप्चर्ड जो है कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम यह जो है आपका कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता है, तो आपका कॉर्पस एम्बली के लिए धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है, इसको कॉर्पस एम्बली कैंसर होते, इसके बाद
अगर नॉट फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, अगर यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है तो आपका ये एक विशेष तरह के छोटा सा भाग बन जाता है जिसको हम कॉर्पस एम्ब्लिकेंस बोलते हैं। मतलब यह धीरे धीरे जो है डिजेनरेट हो जाता है और पुनः जो है यह क्रिया जो है 28वें दिन से फिर आपका यह बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यह जो है आपका ओवरी के अंदर जो है फॉलिकल्स डेवलपमेंट इस तरह से होते हैं। फॉलिकल्स डेवलपमेंट जिसके अंदर जो है आपका ओवम ये आपका प्रेजेंट होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं वो आपका एक ल्यूटिन येलो कलर का सबस्टांसिस से भर जाते हैं और यही भाग प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए एक विशेष तरह के हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। ऐसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सेक्रेट करता है तो ओवरी, ओवरी के खास भाग ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है जिसका फॉर्मेशन रप्चर्ड फॉलिकल से होता है और फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद जब स्पर्म का फ्यूजन होता है ओवम के साथ तब इसका डेवलपमेंट होता है रप्चर्ड फॉलिकल एक विशेष तरह के येलो कलर्ड ल्यूटीन सबस्टांसेस से भर जाते हैं जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के बाद या आपका प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कंसेंट्रेशन बहुत अधिक मात्रा में 3 से 4 महीने तक जरूरी है और यह 3 से 4 महीने तक अधिक से अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है जिससे प्रेगनेंस जो एम्ब्रियो पल रहा है वो आपका बिल्कुल डेवलप हो रहा है, वह आपका बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। तो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह प्रेगनेंसी को बनाए रख, अगर इसके लेवल में कमी आती है तो जो आपका फीटस जो है माने आपका एम्ब्रियो जो है वो आपका डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब आपका मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, मतलब अनचाही अनवांटेड एम्ब्रियो जो है आपका बाहर नष्ट हो जाता है जो आपका मिसकैरेज कहलाता है। एक होता है एबोर्शन, एबोर्शन का मतलब हो गया कि जानबूझकर के प्रोजेस्टेरोन लेयर को वांटिंग वांछित रूप से अच्छे कुशल डॉक्टर की मदद से प्रोजेस्टेरोन लेयर की मात्रा को कम किया जाता है और प्रोजेस्टेरोन लेयर की मात्रा जब कम होगा तो ये जैसे इम्ब्रियो जो है सो आपका नष्ट हो जाएगा जिसको हम लोग एबोर्शन बोलते हैं, जानबूझ करके आपका इम्ब्रियो को फीटस को नष्ट कर देना वो आपका एबोर्शन कहलाता है जो आपका मेडिकल टर्म में एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ भी क्वेश्चन से राय जैसे एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो एबोर्शन को जनरल टर्म इसे यूज करते हैं लोग लेकिन आपका क्लिनिकल भाषा में या मेडिकल भाषा में एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस तरह से यह आपका इसका जो है सो आपका ये फंक्शन होता है, इस तरह से यह आपका हिस्टोलॉजी ऑफ ये ओवरी हुआ और इसके अंदर जो है किस तरह से जो है आपका ये फॉलिकल्स के अंदर जो है ओवम का फॉर्मेशन होता है और यह जो क्रिया हो रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह इसके समय जो है आपका 3 days 3 to आपका 14th day का यह समय, यहाँ से यहाँ तक का निर्माण की जो क्रिया होती है यह जो प्रोसेस होता है वह मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग इसमें होता है वेजाइनल पार्ट से, इंडोमेट्रियम लेयर उस पर डिजेनरेट होते हैं, ब्लड वेसल्स नष्ट होते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग, इसके बाद का जो है आपका वह आपका 1 to 3 मैक्सिमम 5 days होता है, इसके बाद आपका 3 to आपका 14th day यह आपका प्रोसेस होता है और यह जो है आपका इसकी शुरुआत कहाँ से होती है जर्मिनल एपिथेलियम
लेयर से होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल से होता है। और यह जो है आपका उगोनियम, इसका जो स्टार्टिंग सेल होता है इसके अंदर जो है अब वो उगोनियम, इस तरह से स्पर्म का प्रिकर्सल सेल आपका ये आपका स्पर्मेटोगोनियम कहलाता है। उसी तरह से आपका ओवम का निर्माण के लिए जो आपका प्रिकर्सल सेल है वो आपका ओगोनियम कहलाता है। अब यहां पर देखते हैं, प्रिकर्सर मतलब शुरुआत करने वाला, प्रिकर्सर सेल ऑफ ओवम, इसको क्या बोलते हैं तो आपका ओगोनियम, ओगोनियम कहलाता है। ओगोनियम जो है आपका साइज में जो है आपका वृद्धि होता है, आपका प्राइमरी, इसके बाद जो है प्राइमरी ओगोनियम और इसके बाद जो है सो सेकेंडरी, सेकेंडरी ओगोनियम, गोनियम, इसके बाद जो है सो ओटिट्स भी कहलाते हैं। ओटिट्स जिस तरह से स्पर्मेटिड्स होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है आपका अंतिम में यहाँ पर स्पर्मेटिड्स होता है, उसी तरह से ओटिट्स, और ओटिट्स से जो है आपका ये ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये आपका इस तरह से जो है प्रीकर्सल सेल ऑफ ओवम जो है यहाँ पर ओगोनियम या ओगोनियम, ये आपका जो है बहुत अधिक संख्या में होते हैं। और यहाँ पर जो है आपका माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ये आपका प्राइमरी ओगोनियम, ये सेकेंडरी ओगोनियम, फिर इसके बाद ओटिट्स और इसके बाद आपका ओवम और ओभा कह सकते हैं। ओभा का मतलब पुलर नंबर, लेकिन ओवम क्योंकि एक ही ओवम का जो है सो आपका फॉर्मेशन होता है, इसलिए जनरली यहाँ पर हम लोग ओवम कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका प्रिकर्सल सेल हुआ ओगोनियम, आपका इस तरह से आपका ओवम का ओवरी में इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे आगे कि किस तरह से जो है ओगोनियम और ये आपका जो फेजेज ऑफ, हम यहाँ पर देखेंगे ओजिनेसिस, फेजेज ऑफ ओजिनेसिस। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आपका ये आपका ओगोनियम है, ओगोनियम ये आपका जो है साइज में जो है आपका इंक्रीज करते हैं इस तरह से आपका, इस तरह से ये आपका, और फिर इस तरह से ये, इस तरह से सब जो है इस तरह से ओगोनिया कहलाए, इस तरह से आपका ये जो हुआ इस तरह का जो यहाँ से यहाँ तक हुआ वो आपका मल्टी प्लिकेशन फेज, ये आपका जो हुआ मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज का मतलब कि आपका एक ओगोनियम, ये ऐसे बहुत सारे ओगोनिया होते हैं, एक ओगोनियम जो है यहाँ पर देख रहे हैं एक से दो, दो से आपका चार, चार से आपका आठ, सोलह, बत्तीस, चौंसठ, इस तरह से जो है ये आपका डेवलप्ड होते हैं। और यह जो प्रोसेस होता है वो आपका माइटोसिस के द्वारा होता है। और यह जो है आपका ये आपका बिफोर बर्थ, यह जो क्रिया होती है वो आपका कहाँ होती है, बिफोर बर्थ, जन्म के पहले के गर्भ में जब फीटस डेवलप्ड हो रहा है उसी समय यह आपका डेवलप होते हैं। और यहाँ पर यह प्रोफेज, आपका माइटोसिस का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, प्रोफेज में अरेस्टेड होते हैं, माने इसके बाद इसका आगे जो है तो आपका डेवलपमेंट नहीं होता है, प्रोफेज इन प्रोफेज अरेस्टेड, यह जो है तो आपका अरेस्टेड होते हैं, माने इसी रूप में रहते हैं। और यह जो है आपका ओवरी जो है यहाँ पर इनएक्टिव, ओवरी क्या होते हैं इस समय, इनएक्टिव होता है।
और इसके बाद जब इसकी शुरुआत जो होती है आपका प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब जो आपका 12 टू 15 इयर्स गर्ल्स जब हो जाते हैं तब जो है सो इसका डेवलपमेंट होता है। अब इसमें से हम एक देख रहे हैं इस तरह से, ये आपका 2N था, ये आपका 2N हुआ, टोटल ये सब आपका 2N, यहाँ पर भी अभी 2N है। ये आपका जो है साइज में इंक्रीज करता है ना, ये आपका जो आपका ये जो फेज हुआ यहाँ से, ये ग्रोथ फेज ये जो हुआ यहाँ पर ग्रोथ फेज, ये आपका जो है मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और ये दूसरा जो फेज हुआ ये आपका फर्स्ट फेज, सेकंड फेज जो आपका ग्रोथ फेज कहलाता है। इसके बाद आपका मैच्यूरेशन फेज, ये जो है आपका 2N है और ये आपका प्राइमरी ओसाइट कहलाता है, प्राइमरी ओसाइट्स में जो है अब जो है मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट, इसके बाद जो है तो ये आपका एक छोटा सा डिवाइड होगा इस तरह से, ये आपका फर्स्ट पोलर बॉडी, ये आपका पोलर बॉडी कहलाता है। ये जो है आपका छोटा, ये जो आपका क्या हो गया, एन हो गया, ये जो है आपका एन हो गया, ये भी जो है तो आपका एन हो गया। और यह एन जो है आपका सेकेंडरी ओसाइट कहलाता है, ये आपका सेकेंडरी ओसाइट जो आपका एन होता है। अब ये जो है अरेस्टेड है ना, ये आपका ये भी अरेस्ट हो जाता है, कब होता है, अरेस्टेड इन यहां तक का स्टेज जो है जो डेवलपमेंट होता है जो प्यूबर्टी के समय, इस स्टेज में सेकेंडरी ओसाइट्स के रूप में ही आपका ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पर जानना है कि जब ओव्यूलेशन होता है वो किस स्टेज में होता है, तो आपका सेकेंडरी ओसाइट्स के रूप में होते हैं। और जब फिर इसके साथ स्पर्म का यह आपका फ्यूजन होगा, जब यह स्पर्म से फ्यूज्ड होगा तब यह एक्टिवेट होता है और आगे का ग्रोथ होता है या आगे का प्रोसेस होता है। मैंने इसके साथ यह जब स्पर्म इस तरह से, ये आपका स्पर्म जब यह फ्यूज करेगा तब जो है पुनः यह आपका डिवाइड होगा। इस समय जो है तो आपका अरेस्ट होता है, मैंने आपका इसके बाद इसका डेवलपमेंट नहीं होता है। अब यह जो है आपका प्रोफेज, माइटोसिस के ये प्रोफेज, ये आपका ये मेटाफेज में ये अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज स्टेज में यह आपका अरेस्टेड हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज स्टेज में यह आपका स्टेज। अब जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है कॉपुलेशन के क्रम में, स्पर्म जो है इसे फ्यूज होता है, तो ये सब आपका मैच्यूरेशन फेज में हो रहा है। अब यहाँ पर जो है आगे इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पर हम दिखाते हैं कि यह है आपका जो है तो सेकेंडरी ओसाइट्स है। सेकेंडरी ओसाइट के साथ जब स्पर्म जो है ये आपका फ्यूज हुआ, ये आपका स्पर्म यहाँ पर, तब यह फिर जो है सो आपका मियोसिस सेकंड होता है। फिर यह जो है आपका इस तरह से, और एक छोटा सा ये भी एन और ई एन होता है, इस सेकंड पोलर बॉडी, ये आपका सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है जो डीजेनरेट हो जाता है। और यह जो है आपका एन जो है ये आपका ओभम का निर्माण यह करता है। तो ये ओभम जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये आपका इस तरह से फ्यूज होता है, और यह जो है तो फिर आपका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद यह जो है सो आपका 2N हो जाता है, जो आपका ये जायगोट बनता है, जायगोट जो आपका
2n हो जाता है, माने स्पर्म का जो फ्यूजन हुआ, और ये भी आपका हैप्लोइड है, ये भी आपका हैप्लोइड है, इसके बाद दोनों का जो फ्यूजन हुआ तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और यहाँ पर जो है आपका डिप्लोइड जायगोट का निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो है आपका अंतिम जो ये सब फेज हुआ यहाँ पर, वो आपका मल्टीप्लीकेशन फेज हुआ। तो थ्री फेजेज हुआ, ये सब जो फेजेज था ये सब आपका मल्टीप्लीकेशन, सॉरी आपका मैचुरेशन फेज। तो इसमें भी तीन फेज होता, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और आपका मैचुरेशन फेज। तो इस तरह से आपका ये सेकेंडरी ओसाइट, यहाँ पर स्पर्म जब फ्यूज होता है तो आपका जो है मियोसिस सेकंड होता है, जिसमें आपका यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी बनता है, और यह आपका ईओवम हुआ, और ये जो है आपका इस तरह से फ्यूज करके आपका यहाँ पर फिर डिप्लोइड जायगोट का निर्माण होता है, और ये जो है आपका फीटस फीटस कहलाता है। अब यही डेवलप, ये आपका जो है एंडोमेट्री आपका ओवरी के जो है यूट्रस के इनर वाल से जो सब पदस्थान माने उसमें इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब आपका गर्भाधान हो जाता है। इस तरह से आपका डेवलपमेंट आगे का होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊजिनेसिस क्या है, इसमें जो है ऊजिनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, उसका फेजेज कौन से हैं, फॉलिकल्स क्या होता है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और किस स्टेज में जो है ये आपका अरेस्टेड होता है, प्राइमरी ओसाइट एंड सेकेंडरी ओसाइट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा, और आई होप दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ये आपका दिस टॉपिक, आप समझ सकते हैं इसको आसानी से इस तरह से। तो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, और इस चैनल को जिसका नाम बायोलॉजी टीचिंग सेंटर है, इसको निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका सब्सक्राइब जो है, आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमें जो है आपका एक तरह से फ्यूल की तरह वह कार्य करता है, और अधिक से अधिक जो है सेशन लाने में जो है सो मदद करता है। इसलिए आपका सपोर्ट जो है बहुत ही आवश्यक है, और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के बीच जो है शेयर आवश्यक है। थैंक यू।